Assalamu alaikum students, how are you? I hope you understood the previous lecture. In the previous lecture, we discussed some of the important questions of the lesson, why boys fail in college. Today, we will discuss the remaining questions of the same lesson. So question number 8 is, who are lazy bluffers? What should be done about them? Again, this question has two parts. First of all, you have to describe द लेज़ी ब्लफर्स के लेज़ी ब्लफर्स होते कौन हैं और सेकेंड पार्ट में आपने ये बताना है कि उनके बारे में क्या किया जाना चाहिए. लेज़ी ब्लफर्स आर स्टूडेंट्स हु जॉइन कॉलेज विदाउट एनी पर्पस. सो लेज़ी ब्लफर्स कौन होते हैं? वो स्टूडेंट्स जो कॉलेज को जब ज्वाइन करते हैं तो उनके जहन में कोई पर्पस नहीं होता, उनकी लाइफ का कोई एम नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो अपनी लाइफ में फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं. दे शुड बी लेफ्ट टू द कोल्ड मर्सीलेस वर्ल्ड बिकॉज दिस. ये स्टूडेंट्स अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करते, इसलिए उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए और लाइफ की रियलिटीज़ जो हैं वो खुद ही उन्हें सिखा देती हैं कि उनकी मिस्टेक्स क्या थी. सो दिस इज़ द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वट शुड बी द रोल ऑफ कॉलेज डीन? डीन मीन्स प्रिंसिपल. सो कॉलेज प्रिंसिपल का कॉलेज में रोल या इन स्टूडेंट्स के मामले में रोल क्या होना चाहिए? द कॉलेज डीन शुड बी लाइक अ डॉक्टर. ही शुड डायग्नोज द कॉज ऑफ फेलियर अमंग द स्टूडेंट्स. इन दिस वे ही कैन सेव द बॉयज फ्रॉम फेलियर थ्रू फूलिशनेस, सिकनेस एंड सिन. सो कॉलेज डीन का रोल क्या है? कि वो एक डॉक्टर की तरह एक्ट करे. डॉक्टर क्या करता है? वो बीमारी की वजूहात को फाइंड आउट या आइडेंटिफाई करता है. सो डीन को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उसके स्टूडेंट्स क्यों फेल हो रहे हैं. इस तरह वो उन बॉयज़ को उनकी फेलियर से बचा सकता है जो अपनी फूलिशनेस की वजह से फेल होते हैं या अपनी बीमारी की वजह से फेल होते हैं या अपने सिन यानी कि अपनी लापरवाही की वजह से फेल होते हैं. सो इन सब बॉयज़ को एक डीन सिर्फ उस सूरत में ही फेलियर से बचा सकता है जब वो आइडेंटिफाई करे कि कौन सा बॉय या कौन सा स्टूडेंट किस वजह से फेल हो रहा है और फिर उस वजह के अकॉर्डिंगली उस स्टूडेंट को हेल्प करने की कोशिश करें. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाई इज द प्रॉपर कोऑपरेशन नीडेड बिटवीन द टीचिंग स्टाफ एंड द कॉलेज डॉक्टर? तो कॉलेज स्टाफ और कॉलेज डॉक्टर के दरमियान कोऑपरेशन होना क्यों ज़रूरी है? यू रिमेंबर वी डिड अ क्वेश्चन वेयर वी डिस्कस द सिकनेस ऑफ द बॉयज एंड व्हाट रोल कॉलेज टीचर्स कैन प्ले इन दिस रिगार्ड. सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन एज वेल. सो लेट्स डिस्कस द आंसर. इट इज़ नेसेसरी सो दैट द बॉयज आर क्लिनिकली एग्जामिन्ड रेगुलरली टू मेंटेन देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. सो कॉलेज स्टाफ का और कॉलेज डॉक्टर का कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ उसी सूरत में टीचर्स आइडेंटिफाई करेंगे कि किस स्टूडेंट को एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, वो उसे डॉक्टर के पास भेजेंगे, फिर डॉक्टर एग्जामिन करके उन स्टूडेंट्स की फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ के हवाले से उन्हें प्रॉपरली गाइड कर सकेगा और उन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकेगा. इसलिए कॉलेज स्टाफ का और कॉलेज डॉक्टर का कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है. उसके बगैर स्टूडेंट्स की हेल्थ मेंटेन नहीं रखी जा सकती. क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट आर कॉमन डिजीजेस अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स? सो वो कौन सी कॉमन डिजीजेस हैं जो कॉलेज स्टूडेंट्स में पाई जाती हैं, यानी ज़्यादातर स्टूडेंट्स किन डिजीजेस से इफेक्ट होते हैं? The common diseases among college students are tuberculosis. Tuberculosis यानी TB, जो lungs की disease होती है. Bad tonsils, यानी tonsils का ख़राब होना. Sleeping sickness, यानी वो बीमारी जिसमें students सो नहीं पाते. Poor digestion, यानी हाजमे का दुरुस्त ना होना. And nervous forms of mental difficulties, यानी कोई ना कोई ऐसी mental difficulty जिसकी वजह से students nervous होते हैं और उस वजह से वो सही से perform नहीं कर पाते. तो कौन सी कॉमन डिजीजेज हैं कॉलेज स्टूडेंट्स में? ट्यूबरक्लोसिस, बैड टॉन्सिल्स, स्लीपिंग सिकनेस, पुअर डाइजेशन एंड नर्वस फॉर्म्स ऑफ मेंटल डिफिकल्टीज.
Question number 12, what is the heart-rending spectacle? Heart-rending means जो दिल तोड़ दे, heartbreaking, spectacle यानी तमाशा. So वो कौन सी चीज़ है जिसको देखकर heart break होता है, जिसको देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है? To see boys undergoing transfusion of blood to get money for food and books is a heart-rending spectacle. यानी जब students अपनी बुक्स के लिए और अपने फूड के लिए पैसे हासिल करने के लिए अपना ब्लड बेचते हैं, दे सेल देयर ओन ब्लड, सो उसको देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है, बिकॉज जो बॉयज़ हैं उन्हें अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरा करने के लिए इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा ब्लड देने से उनकी हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है. Then the last question is, can we help the students suffering from nervous habits? So वो students जो nervous habits से suffer कर रहे होते हैं, क्या उनकी help की जा सकती है? No, we cannot help the students suffering from nervous habits. इन students की help नहीं की जा सकती. Nervous habits are not easy to uproot. Nervous habits को ख़त्म करना आसान नहीं होता. They cannot be eradicated by anyone but the boy. सो अगर बॉय विलिंग ना हो, अगर वो खुद एफर्ट ना करे, यानी वो पर्सन जिसको नर्वस हैबिट्स हैं, अगर वो खुद एफर्ट ना करे तो कोई और उसकी हेल्प नहीं कर सकता. सो इन बॉयज़ को गाइड किया जा सकता है, इन बॉयज़ को रियलाइज़ कराया जा सकता है कि वो अपनी नर्वस हैबिट्स को इरेडिकेट करने की कोशिश करें, लेकिन जो अल्टीमेट एफर्ट है वो बॉयज़ ने खुद करनी है, या वो उस नर्वस हैबिट रखने वाले फ़र्द ने खुद करनी है और ख़ुद अपने आप को उस हैबिट से निकालना है. These are the important questions of this lesson. I hope you have understood them. If there is any difficulty, again I will repeat that you can ask. I hope this lesson is clear. That is all for today. Have a nice day. Allah Hafiz.